हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। तो आज हो गई है 30 मार्च और होली के नेक्स्ट डे का दिन है आज। और हम लोग होली मिल रहे हैं, होली मिलन समारोह हो रहा है मेरे घर पे। मतलब जो दो ऊपर रहते हैं वो उनको बुलाया गया है मैंने। तो अभी बनाई है चाय वगैरह, शाम को 6 बज रहा है करीब। और आई है मेरी सिस्टर भी जो बरेली में रहती है, तो वो भी होली के लिए आई थी, 2-3 दिन के लिए आई हुई है। तो वो भी कल चली जाएगी सुबह बरेली वापस, तो मैंने भी उसको भी बुलाया था। तो वो खुद ही आई थी मतलब बच्चों से मिलने के लिए। तो मैंने सोचा कि ऊपर भी जो दोनों मेरे दोस्त बन गए हैं बहुत अच्छे कल से, तो उन्हें भी बुला लेते हैं। और यहाँ हो रहा है टी टाइम। और इनको तो आप जानते ही होंगे, कीर्ति के जो भी फ्रेंड हैं मैं उनको भी हैप्पी होली बोलना चाहूँगी। और आप लोग बहुत जल्दी सक्सेस हो, अपने अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और जो भी आपके लोगों के ड्रीम्स हो सारे सच हो। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कीर्ति के सारे फ्रेंड्स लोगों से, हैप्पी होली। और सब लोग अपना अपना ध्यान भी रखें क्योंकि बाहर ज़्यादा कोरोना फैल रहा है अभी, तो सेफ रहें, घर में रहें। और फिलहाल तो हम लोग चाय इंजॉय कर रहे हैं। और इधर यश और नन्नू यहाँ पे फिर से आए होली मिलने के लिए। और कल भी दोनों सेम पहने थे, आज भी दोनों सेम कपड़े पहने हैं। आरव बहुत खुश हो जाता है इन दोनों से मिलके, तो आरव भी मस्ती कर रहा है। और कल का ब्लॉग आपने अगर ना देखा होली वाला, तो आप लोग जरूर देखना, ना भूलें उसको, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से खूब ढेर सारी मस्ती करी थी। सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी होली खेल लेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ती चली गई। फिर हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया कल का दिन। और तो फ्रेंड्स, ये मैं हूँ और ये है मेरा नाश्ता और ये है मेरे फ्रेंड्स। और यहाँ ये वाला मैंने बहुत दिन से सोच रखा था कि मैं बोलूँगी अपने किसी ब्लॉग में, लेकिन मैं अकेली पड़ जाती हूँ तो इसलिए नहीं बोला था। अब सारे लोग हैं तो मज़ा आ रहा है पार्टी करने में, तो पार्टी बोलूँगी तो तभी जब पार्टी हो रही होगी। तो होली के बाद का ये दिन है और सब लोग कर रहे हैं खाना पीना इंजॉय। और जैसा कि मैंने बताया था 18 अप्रैल को मेरा पेपर है, तो ये मेरी अच्छी सी पढ़ाई हो रही है और यही पढ़ाई मैं डेली करती हूँ। और फिर देखती हूँ कि 18 अप्रैल को क्या लिखूँगी जाके उसमें जब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले होली पड़ गई है और त्यौहार पड़ जाता है, तो फिर सारी जो है वो कामकाज तो बढ़ ही जाता है घर में, साफ़ सफाई और पापड़ ये गुजिया वगैरह। तो उसी में मेरा सारा टाइम जो है वो जा रहा है, एक एक करके मेरे सारे दिन जो है वो चले जा रहा है। और कल भी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन है, बर्थडे पार्टी है। और रिश्ते में तो फर्स्ट बर्थडे है बच्ची का, लेकिन वो रिश्ते में मेरी ननंद लगती है। तो कल का ब्लॉग आप लोग देखना ना भूलें, मैं शुरू से लेकर लास्ट तक का बनाऊंगी कल वीडियो। और मैंने बताया था जैसा कि उन्होंने ब्लू थीम रखी हुई है, तो देखते हैं कि कितने लोग ब्लू थीम के अकॉर्डिंग वहाँ तैयार होकर पहुँचते हैं। और बच्चों का भी मेरे पास ब्लू है नहीं, बच्चों के पास भी ब्लू है नहीं, तो देखती हूँ मैं कल लेके आऊँगी। आज तो मेरा टाइम इन लोगों के साथ ही स्पेंड हो रहा है, शाम का जो टाइम है वो इन लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, नाश्ता पानी वगैरह। और उसके बाद कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू पार्टी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे ज़रूर माफ़ करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो में क्या कमी है क्या नहीं है, और मैं उसको ज़रूर दूर करूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी होली। रंग परसे भीगे चुनर वाली रंग परसे, और किने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया रंग रसिया। आरव कर लो बेटा, आरव रंग बरसे, अरे रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे।
जी के जुनर वाले रंग बरसे रंग बरसे जी के जुनर वाले रंग बरसे।